कांग्रेस पार्टी की नाराज प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी द्वारा पार्टी से इस्तीफा देने के बाद शिवसेना ज्वाइन करने पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और मौजूदा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को सफाई दी। इस सफाई में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रियंका के उन आरोपों का जवाब दिया जिसमें प्रियंका ने कई गंभीर आरोप लगाए थे। शिवपुरी में पत्रकारों से चर्चा के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जिन कांग्रेस नेताओं को पार्टी से हटाया गया था उन्होंने लिखित माफी मांगी, माफी मांगने के बाद पार्टी में शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि जहां तक ये मुद्दा है तो ये घटना मेरे कार्यकाल में नहीं घटी थी, ये घटना घटी थी पिछले साल अगस्त में और मुझे जनवरी के अंत में जिम्मेदारी मिली थी। चतुर्वेदी जी को मेरी शुभकामनाएं। उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर बहुत लड़ाई लड़ी है, बहुत ही उत्तम श्रेणी की प्रवक्ता रही है, उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहां तक ये मुद्दा है, जो घटना घटी वो मेरे कार्यकाल में नहीं घटी थी, वो घटी थी पिछले वर्ष अगस्त के माह में। मुझे जिम्मेदारी केवल मिली है जनवरी के अंत में। वर्तमान के जो वहां के उम्मीदवार, जब उन्होंने कहा कि इन लोगों की जरूरत है तो मैंने कहा था कि पहले जाके माफी मांगे। लिखित रूप में उन्होंने माफी मांगा है SMS के द्वारा। माफी मांगने के बाद अगर किसी के द्वारा गलती हुई हो पूर्व में और वो अपने आप को गुनहगार समझता है और गुनहगार समझते हुए वे हाथ जोड़ के माफी मांगता है, तो उसके आधार पर जब माफी मांगी गई है और जब उम्मीदवार को उनकी जरूरत थी, उसके आधार पर मैंने ये निर्णय लिया कि जब माफी उन्होंने मांग ली है तो जो बीत गई सो बीत गई, अब आगे का हमें देखना होगा। लेकिन ये शपथ जरूर कि ऐसा कभी भी अगर दोबारा कृत्य किया तो पार्टी के दरवाजे उनके लिए सदैव के लिए बंद रहे। शिवपुरी से EMS TV के लिए रंजीत गुप्ता की रिपोर्ट।